बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला लगातार चर्चा में है। इसे लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपना अपना मत है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सोमवार को इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 का हवाला देते हुए कहा कि जातीय गणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है और न ही उन्हें इसका अधिकार है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही कानून के तहत ये अधिकार मिला हुआ है, जिसमें केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी करके ये घोषित किया जाता है कि देश में जनगणना कराई जा रही है और उसके आधार भी स्पष्ट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा गृह मंत्रालय की ओर से दायर किया गया। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना या जनगणना जैसा कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि एससी एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए सरकार की ओर से सभी जरूरी और समुचित कदम उठाए जा रहे हैं जो संविधान और कानून के मुताबिक हैं। इस हलफनामे के बाद एक बार फिर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने तो इस मुद्दे पर बीजेपी को खूब सुनाया। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे। लोगों को ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है इसमें भी जो है विरोध किया है। आप अगर लास्ट इसमें देख लीजिएगा, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ आइदर सेंसेस और एनी एक्शन अकीन टू सेंसेस। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसेस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से, रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं, और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था, और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया। तो ये बात तो प्रमाणित होगी ना। लंबे वक्त से चल रहे इस विवाद को लेकर बीजेपी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। उधर जेडीयू के नेता ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं मस्जिद मंदिर की गणना करवाएगी। आया है केंद्र सरकार का। देखिए, मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था, उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाईकोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है, जातीय सर्वे के हम पक्ष में है। जाति सर्वे का कानूनन अधिकार है, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि बिहार सरकार जिस तरीके से यह काम कर रही है बिल्कुल न्यायोचित है, लेकिन राजनीतिक पेच भारतीय जनता पार्टी अपरोक्ष रूप से यूथ फॉर इक्वलिटी, मोदी जी का फोटो लगा हुआ आरक्षण विरोधी, यह देखिए फोटो लगा हुआ है, इस संस्था के द्वारा 27% आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, 10% के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, और ये सारे भाजपा और आरएसएस के लोग हैं।
साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे आप दिन भर में मीटिंग में 3 बार चाय बेचने वाले आप हैं, दावा आपका है, 3 बार बंडी बदलते हैं, कुर्ता बदलते हैं, उसे एफिडेविट बदल लिए, सुबह में आप कह रहे हैं क्या अधिकार नहीं है, और शाम में कह रहे हैं क्या करे यह राज्य सरकार करवा सकती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल क्यों अपीयर हुए, क्या जरूरत थी, उनको कोई नोटिस हुआ था? ये तो साफ तौर पर प्रतिवेदित हुआ कि अंतिम पेच आप लगाते रहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और माननीय उच्च न्यायालय में जिस ढंग से केंद्र सरकार की फजीयत हुई है, चूंकि राजनीति के ऐसे लोग हैं जो 47 को आज़ादी ही नहीं मानते हैं, तीन लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते आप। जाति गणना नहीं, ये लाउड स्पीकर का गणना करेंगे, मस्जिद का मंदिर का गणना करेंगे, राम मंदिर में कितना ईंटा लगा है सो गणना करेंगे, लेकिन दान देने वाला का नाम का गणना कभी नहीं करते हैं, क्योंकि काला दिल है और काला काम करने का तरीका है। आमतौर पर देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, आखिरी बार ये साल 2011 में हुई थी, इसके बाद 2021 में फिर जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाई। केंद्र की ओर से जनगणना में देरी को देखते हुए बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 27 फरवरी 2020 को जाति आधारित गणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पास करवाया। इसके बाद 2 जून 2022 को कैबिनेट ने जातीय गणना को पारित कर दिया। सरकार के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई।